चाहते हैं, क्योंकि अगर दलित इनके साथ में खड़े हो जाएंगे, बहुजन इनके साथ में खड़े हो जाएंगे, तो पूरी दिल्ली को आग लगाने में बड़ी आसानी इनको हो जाएगी। फिर इनको दंगाइयों को बाहर से नहीं बुलाना पड़ेगा। ये हार गए हैं, ये इस वजह से हार गए हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को जलाने के लिए इनको बाहर से दंगाई बुलाने पड़े हैं, यहाँ के दलितों ने इनका साथ नहीं दिया। और हम सब मिलकर अगर इकट्ठे हो जाएं तो हम सब ने मिलकर के इस देश में 1947 में अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया था। अगर हम सब मिल जाएं, बाबा साहब की औलादें, अशफाक उल्लाह की औलादें, पगड़ी टोपी टीका टाई बुरका साड़ी या सब मिल जाएंगे आज भी अगर इस देश में, तो हम बहुत आसानी से राजनीति को हरा सकते हैं, तानाशाही को हरा सकते हैं। को क्यों मारा? ताकि जो दिल्ली के दलित हैं, जो दिल्ली के बहुजन हैं, जो दिल्ली के वाल्मीकि समाज के लोग हैं, जो इनके साथ खड़े नहीं हुए, वो इनको अपने साथ में खड़ा करना चाहते हैं। क्योंकि अगर दलित इनके साथ में खड़े हो जाएंगे, बहुजन इनके साथ में खड़े हो जाएंगे, तो पूरी दिल्ली को आग लगाने में बड़ी आसानी इनको हो जाएगी। फिर इनको दंगाइयों को बाहर से नहीं बुलाना पड़ेगा। ये हार गए हैं, ये इस वजह से हार गए हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को जलाने के लिए इनको बाहर से दंगाई बुलाने पड़े हैं, यहाँ के दलितों ने इनका साथ नहीं दिया। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि दिल्ली में रहने वाले वो तमाम लोग जो शांतिपूर्वक तरीके से इस दिल्ली में रहना चाहते हैं और इस दिल्ली को खूबसूरत बनाए रखना चाहते हैं, उनको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली में तकरीबन 25,000 ट्रक बाहर से आते हैं, जिसमें तकरीबन 15,000 ट्रकों की आमद और रफ्त रुक गई है और वो नहीं आ पा रहे हैं। उसी तरह से आप देखिए कि जिस तरह से गांधी मार्केट में तकरीबन 25,000 दुकानें हैं, मुश्किल से 1500 से 1500 दुकानें उसमें मुसलमानों की है, बाकी सारे जैनियों की हैं या फिर हिंदुओं की दुकानें हैं, उन तमाम दुकानों का कारोबार रुक गया। कपड़ा मार्केट में भले ही आग ना लगी हो, लेकिन रॉ मटेरियल जिस मार्केट से जाता है, वो रॉ मटेरियल की दुकानों में आग लगा दी गई है। शिव विहार की सारी बेकरियाँ, जिनसे बड़े पैमाने पर बड़े लेवल पर यहाँ से रस्क सप्लाई होता था, बाकी तमाम खाने पीने की चीज़ें सप्लाई होती थी, उन तमाम बेकरीज में आग लगा दी गई है। हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ है देश के आम व्यापारियों को, आम नागरिकों को। आम लोग जो दिन में अपना तकरीबन मुश्किल से 400-500 रुपए कमाते हैं, उनका रोजगार छिन गया है। तो अगर ये रोजगार छिना है तो सिर्फ मुसलमान का नहीं छिना है, दंगों से हमेशा शहर जलते हैं, घर जलते हैं, रोजगारों को नुकसान होता है, कारोबारों को नुकसान होता है। और ये कारोबार सिर्फ मुसलमानों का नहीं चला बल्कि सबका चला है। इसलिए मैं सारे लोगों से ये अपील करूंगा कि ये जो दंगाई है, इनको पहचानने की कोशिश करिए। ये क्रिमिनल है, ये किसी के भी नहीं है, ये देश में आग लगाने के लिए है, देश को लोगों को जलाने के लिए है। इसलिए अगर आप नहीं उठे इस एकता को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, तो आपका आने वाला कल बीते हुए कल से बहुत ज़्यादा बुरा होगा। इसलिए प्रकाश अंबेडकर की आवाज़ को सुनिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की औलादों की आवाज़ को सुनिए, गांधी के वंशों की आवाज़ को सुनिए, अशफाक उल्लाह की औलादों की आवाज़ों को सुनिए। और हम सब मिलकर अगर इकट्ठे हो जाएं, तो हम सब ने मिलकर के इस देश में 1947 में अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया था। अगर हम सब मिल जाएँ, बाबा साहब की औलादें, अशफाक उल्लाह की औलादें, पगड़ी टोपी टीका टाई बुरका साड़ी या सब मिल जाएंगे आज भी अगर इस देश में, तो हम बहुत आसानी से राजनीति को हरा सकते हैं, तानाशाही को हरा सकते हैं।